प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस सहित विपक्षी 21 दलों ने उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग ही बयान देते हुए कहा कि नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार पुराना इतिहास बदलना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू में भी बात हो रहा था कि ये संसद भवन बन रहा है तो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो इतिहास है, आज़ादी हुई तो जिस चीज़ की जहाँ पर शुरुआत हो गई है उसे वहीं पर विकसित करना चाहिए, अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्या पुराना इतिहास ही बदल दिया जाएगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये नया संसद भवन बना रहे हैं। पुराना इतिहास बदलना चाहते हैं बस, नया संसद भवन नहीं बनाना चाहिए था। जो पुराना संसद भवन था उसी को सही करना चाहिए था। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, ये लोग सब इतिहास बदलना चाह रहे हैं। बेकार है, वहाँ जाना कोई मतलब ही नहीं है वहाँ जाने का। क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की और उस भवन को बनाने की? उद्घाटन समारोह का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किए जाने पर नीतीश ने कहा, खैर और पार्टियां कह रही हैं कि वो राष्ट्रपति को नहीं बुलाने की वजह से नहीं जा रही हैं, वो जो भी कारण है, लेकिन हमको लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी अलग से बनाने की। तो बिल्डिंग थी उसी को ठीक करते, जो इतिहास है उसे भुला देंगे क्या? आप जान लीजिए कि जो आजकल शासन में है वो सारे इतिहास को बदल देंगे, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। जो पहले पीएम थे नेहरू जी, उनकी मौत के समय हम स्कूल में पढ़ रहे थे। हम मानते हैं कि देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है, नया बनाने की क्या ज़रूरत थी? इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए बदल रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नमो बुद्धा।